Hello everyone, welcome in your favorite subject industrial hydraulics and pneumatics, subject code as a 22655 of 6th semester unit 3 control valves. Topic number 6, check valve and flow control valve. Lecture number 15 prepared by Mrs. Amrita Mundale, lecturer in mechanical engineering department, NIT Polytechnic. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read this vision and mission of our department. Content of this lecture as construction and working of check valve and flow control valve. Classification of flow control valve. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to describe construction and working of check valve and flow control valve. Classify flow control valves. Program outcomes will be mapped by this table as a PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. Overview of last lecture. तो last lecture में हमने पढ़ा है construction and working of 2x2, 3x2, 4x2, 5x2 and 4x3 direction control valve. और हमने उसके साथ ही देखा है different center position of direction control. तो आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं चेक वॉल. सोचिए क्या होता है चेक वॉल. तो देखते हैं चेक वॉल्स के बारे में. चेक वॉल आर जनरली इंस्टॉल इन पाइपलाइंस टू प्रिवेंट बैक फ्लो. तो क्या होता है, बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए चेक वॉल हम यूज करते हैं. ए चेक वॉल इज बेसिकली ए वन वे वॉल इन विच द फ्लो कैन रन freely one way, but if the flow turns, the valve will close to protect the piping, other valves and pumps etc. तो check valve क्या करता है, back flow को prevent करता है. और किस तरह से prevent करता है, क्योंकि ये एक ही direction में flow allow करता है. तो जैसे कि आपने अपने घर का नल तो देखा ही होगा, ठीक है, देखा है या नहीं देखा है, नहीं देखा होगा तो देख लीजिए. तो ये नल में क्या होता है, जब हम नल का स्विच ऑन करते हैं तो फ्लो जस्ट आता है, पर उसके अंदर का जो फ्लो है वो बैक नहीं जाता, वो बैक नहीं जाता, इसलिए उसको बोलते हैं चेक वॉल्व. तो गौर से देखिए इस एनिमेशन को. ये एनिमेशन आपको वर्किंग एक्सप्लेन कर रहा है चेक वॉल्व का. तो चेक वॉल्व में ये चेक वॉल्व की बॉडी है, ठीक है, ये इसका सिंबल है. तो चेक वॉल की ये क्या है, बॉडी है, आउटर बॉडी. देन यहाँ से फ्लूड का फ्लो आ रहा है, फ्लूड के फ्लो ये पॉइंट्स जो दिख रहे हैं इस फॉर्म में, ये क्या कर रहा है, इस बॉल को अपनी जगह से हिला रहा है. और इस टाइम पे क्या हो रहा है, स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो रही है. और जैसे ही ये बॉल कॉम्प्रेस होता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पैसेज एरिया बनता है, ठीक है. ये बॉल टाइप सीट है, तो यहाँ पे ये कॉम्प्रेस होने की वजह से यहाँ पे पैसेज एरिया बनता है और यहाँ से फ्लो अलाउ होता है. पर इस डायरेक्शन से फ्लो आ नहीं सकता क्योंकि ये वॉल इस सीट को क्लोज करके रखा. तो ये उसका सिंबल है चेक वॉल विथ इंटीग्रल ऑफ स्प्रिंग. यहाँ पे स्प्रिंग यूज की है इसलिए यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे. तो ये चेक वॉल का जो एरो है, इस एरो से क्या दिख रहा है, एरो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो जा रहा है. ठीक है, इस एरो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो अलाउ हो रहा है. तो ये सिंबल को आपको गौर से देखना है. यहाँ पे जैसे ही सर्कल है तो ये बॉल टाइप का सर्कल है और ये लाइन है. इस लाइन यानी इज नथिंग बट द पाइपलाइन, यहाँ से फ्लो आएगा. तो सीट ये बॉल अपनी जगह से हटेगा तो यहाँ से फ्लो अलाउ होगा. तो आपको एक पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि इस सिंबल के अंदर जो एरो दिख रहा है उसके अपोजिट साइड में फ्लो अलाउ होता है. एरो के साइड में फ्लो अलाउ नहीं होगा, उसके अपोजिट साइड में फ्लो अलाउ होता है. तो इस एनिमेशन में जो दिख रहा है ऑपरेशन, यही आपको इसके वर्किंग में लिखना पड़ता है. तो इसके चेक वॉल के कुछ टाइप्स है जो हमने यहाँ पे शो किए. आपके इस सिलेबस में सिर्फ चेक वॉल और उसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड सिंबल इतना ही है, आपको उसके टाइप्स नहीं देखना है. पर आपके मोर नॉलेज के लिए ये टाइप्स मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन दिखाया कि यहाँ पे स्विंग चेक वॉल होता है, ड्यूअल डिस्क चेक वॉल होता है, वेफर चेक,
देन एक्सियल फ्लो वॉल होता है जो चेक वॉल होता है, पिस्टन चेक वॉल होता है और बॉल चेक वॉल होता है। तो ये कौन से टाइप का चेक वॉल है? बॉल टाइप चेक वॉल। तो ये चेक वॉल नथिंग बट द ऑपरेशन लाइक दिस विच इज यूज इन यूर होम। जो नल आप यूज करते हैं, जिनके यहाँ नल का कनेक्शन है, या फिर कोई भी नल जो आप वॉल को ओपन करते हैं तो फ्लो अलाउ होता है, और जब वॉल को क्लोज करके रखते हैं तो फ्लो रिटर्न जाता नहीं है बैक टू नल। नल में कभी वापस फ्लो नहीं जाता, बकेट का वाटर वापस नल के अंदर नहीं जाता, दैट इज कॉल्ड एज अ चेक वॉल। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फ्लो कंट्रोल वॉल, जिसको शॉर्ट में हम FCV बोलते हैं। तो ये फ्लो कंट्रोल वॉल क्या कहता है, देखते हैं। द पर्पज ऑफ ए फ्लो कंट्रोल वॉल इज टू रेगुलेट द फ्लो रेट इन ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ए हाइड्रोलिक सर्किट। तो ये हाइड्रोलिक सर्किट का क्या करेगा, स्पेसिफिक पोर्शन में, यानी जहां पे हम फ्लो कंट्रोल वॉल लगाएंगे उसका फ्लो रेट कंट्रोल करेगा। इन हाइड्रोलिक सिस्टम दे आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो रेट टू मोटर्स एंड सिलेंडर्स। तो मोटर एंड सिलेंडर का फ्लो रेट कंट्रोल करने के लिए फ्लो कंट्रोल वॉल FCV यूज करेंगे, देयर बाय रेगुलेटिंग द स्पीड ऑफ दोज कंपोनेंट। जो हमारा आउटपुट डिवाइस है एक्चुएटर, जिसका फ्लो कंट्रोल होने से उस एक्चुएटर की स्पीड भी कंट्रोल होगी। तो ये फ्लो कंट्रोल वॉल हम वेरियस पोजीशन में एक्चुएटर के पहले या एक्चुएटर के बाद में यूज करते हैं, DCV के बाद, जिसको हम बोलते हैं फ्लो कंट्रोल वॉल। और उसके वजह से वेरियस हाइड्रोलिक सर्किट डिजाइन होते हैं, जो स्पीड कंट्रोल हाइड्रोलिक सर्किट भी बोला जाता है। तो ये ऐसा अपने वेंचुरीमीटर देखा है, फ्लूइड मैकेनिक्स में देखेंगे, और शायद इसके पहले भी आपने पढ़े होंगे। तो आइए देखते हैं वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर इज नथिंग बट द फ्लो कंट्रोल वॉल, और ऐसा ही सेम आपने एक एलिमेंट पढ़ा था थर्मोडायनामिक्स में, जो कि आपका थर्ड सेम में था। तो क्या होता है, जब भी हमने इस ऑरिफिस प्लेट को एडजस्ट किया, ठीक है, यहाँ पे ऑरिफिस प्लेट है, ऑरिफिस प्लेट को एडजस्ट करने के वजह से यहाँ पे क्या होगा, एरिया कम ज्यादा होगा। जैसे ही फ्लो का एरिया कम ज्यादा होता है, ठीक है, यह भी क्या होगा, कम होगा। इससे क्या होगा, फ्लो डाइवर्ट होगा और नेक्स्ट पाथ को फॉलो करेगा। ये जो फॉलो करेगा नेक्स्ट पाथ को, तो इसमें क्या होगा, सर्टन क्रॉस सेक्शन चेंज होने के वजह से क्या होगा, आपका फ्लो रेट बढ़ेगा और क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा। सर्टन क्रॉस सेक्शन चेंज होने के वजह से प्रेशर कम होता है, और जिससे फ्लो पैसेज भी कम होगा। जैसे ही फ्लो पैसेज कम होता है तो फ्लो भी कम होता है, फ्लो कम जाएगा और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा नेक्स्ट टाइम पे। तो ये वेंचुरीमीटर का जो फंक्शन है, इट इज नथिंग बट द फ्लो कंट्रोल वॉल। तो गौर से देखिए इस एनिमेशन को, ये आपको ऑपरेट करके बता रहा है। तो ऐसी वॉल अपने डायरेक्शन कंट्रोल वॉल में देखी थी, जिसको हमने बोला था नीडल वॉल। तो यह इस नीडल से क्या हो रहा है, हम ये ऑरिफिस प्लेट का एरिया एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये जैसे ही यहाँ पे फ्लो होता है, देखिए, तो ये ऑरिफिस का ये जो पायलट है, ठीक है, पोपेट टाइप, इस सीट से ऊपर शिफ्ट होता है, तो यहाँ से फ्लो पैसेज होता है, यहाँ से फ्लो इधर आया, तो ये क्या करेगा, बॉल को नीचे साइड में शिफ्ट करेगा और यहाँ से फ्लो अलाउ करेगा। जितना एरिया इस फ्लो को मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली ये फ्लो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चेक वॉल भी है और फ्लो कंट्रोल वॉल भी, इस नीडल से फ्लो कंट्रोल वॉल का फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो रिटर्न में जब भी फ्लो आएगा तो ये क्या करेगा, इस बॉल को प्रेस करेगा। इसके वजह से नीडल वॉल का कोई भी रोल नहीं रहेगा और चेक वॉल से फ्लो रिटर्न जाएगा। तो ये फ्लो कंट्रोल वॉल है। तो इस सिंबल को हमने पहले भी देखा था यूनिट नंबर 1 में, टॉपिक 4th में, ठीक है। तो ये इस वेंचुरीमीटर का जो वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है उसको शो करने के लिए हम ये लाइंस को दिखाते हैं, ठीक है। और जो इंक्लाइन लाइन है ये बता रहा है हमको कि हम इसका क्रॉस सेक्शन भी एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में ये चेक वॉल है, तो चेक वॉल क्या करता है, एरो के अपोजिट में फ्लो को कंट्रोल करेगा। यानी इस इनलेट से आउटलेट फ्लो जाएगा तो ये फ्लो कंट्रोल वॉल में जाएगा, ठीक है। जब ये वापस आएगा
तो फ्लो कंट्रोल वॉल से नहीं जाएगा, ये चेक वॉल से होते हुए इनलेट पे जाएगा, रिटर्न लाइन पे जाएगा। दैट इज ए फ्लो कंट्रोल वॉल, सिंपल कंस्ट्रक्शन है वर्किंग। तो आप फ्लो कंट्रोल वॉल में ये ऑरिफिस भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर ये निडल वॉल भी एनिमेशन के थ्रू जो दिखाई गई है ये भी दिखा सकते हैं। तो ये फ्लो कंट्रोल वॉल है। अभी डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो कंट्रोल वॉल। तो टाइप्स ऑफ फ्लो कंट्रोल वॉल में आता है गेट वॉल। ऐसे भी वॉल्स आपने देखी है, याद करिए कहीं ना कहीं तो देखी होगी। नेक्स्ट है ग्लोब वॉल, इसको भी आपने देखा है, याद कीजिए। पिंच वॉल, डायफ्रागम वॉल, ठीक है। और लास्ट में है नीडल वॉल, जो इस तरह से होती है और ये मैक्सिमम अपने घर में यूज की जाती है, ठीक है। इस टाइप की वॉल्स बड़े हाई प्रेशर फ्लूड को पास करने के लिए गेट वॉल का यूज करते हैं या ग्लोब वॉल का यूज करते हैं, ठीक है। तो नीडल वॉल का ये एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है। अगर आपको एग्जाम में पूछा है कि नीडल वॉल को एक्सप्लेन करना है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के साथ, तो अभी जो हमने एनिमेशन देखा था वो इसी नीडल वॉल का देखा था। तो यहाँ पे ये दिख रहा है नीडल वॉल का पोर्शन, इस नीडल वॉल से क्या दिख रहा है, आप इसको नीडल इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसका नीडल लाइक स्ट्रक्चर है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, पोपेट भी बोलते हैं इन डीसीवी में। तो यहाँ पे जैसे ही फ्लो आता है, तो ये जैसे ही हम इसे स्प्रिंग को हैंडविल को घुमाते हैं, तो उतना एरिया हमने क्या किया, पैसेज किया। तो इतना एरिया पैसेज करने की वजह से उतना ही फ्लो जाएगा जितना एरिया है, ठीक है। और जैसे ही ये रिटर्न में आएगा, तो आपको यहाँ पे चेक वॉल, अगर आपने सिंबल में चेक वॉल शो की है, तो आपको यहाँ पे चेक वॉल जैसा बॉल और स्प्रिंग अटैच करना पड़ेगा। उस टाइम पे ये आपका फ्लो कंट्रोल वॉल क्लोज रहेगा, तो आपका जो फ्लो है वो किससे जाएगा, चेक वॉल से रिटर्न जाएगा। तो इट इज ए नीडल वॉल। हाउ इट वर्क, व्हेन एडजस्ट ए हैंड व्हील और पैसेज ऑफ नीडल पोर्शन, ठीक है, दैट इज ए नीडल और सीट, और इसको हम पोपेट भी बोल सकते हैं। तो इसके वजह से क्या होगा, पैसेज एरिया मिलेगा, जितना एरिया आप कम रखोगे तो फ्लो रेट कम जाएगा, एरिया को बढ़ाओगे तो फ्लो रेट बढ़ेगा। देन अगेन टाइप्स ऑफ एफसीवी, इसमें भी और कुछ टाइप्स के एफसीवी है, जैसे कि कॉम्पेंसेटेड एफसीवी। तो कॉम्पेंसेटेड में आता है प्रेशर कॉम्पेंसेटेड एफसीवी एंड टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड एफसीवी। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है, तो फ्लो कंट्रोल वॉल के साथ प्रेशर को हम कनेक्ट करेंगे, यानी फ्लो कंट्रोल वॉल क्या रहेगी, अकॉर्डिंग टू प्रेशर ऑपरेट होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रेशर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल। अगर हम टेम्परेचर, फ्लूड के टेम्परेचर से फ्लो कंट्रोल वॉल को एडजस्ट करते हैं, फ्लो अलाउ करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी हम फ्लूड एफसीवी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, फ्लो कंट्रोल वॉल, जिसको हम बोलेंगे प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल। तो प्रेशर का सेंसर और टेम्परेचर सेंसर हम फ्लो कंट्रोल वॉल के साथ अटैच करेंगे, जिसके प्रेशर सेंस होने के, यानी सेटिंग प्रेशर जो रहेगा और टेम्परेचर रहेगा उसी के ऊपर ये क्या करेगा, फ्लूड को फ्लो करेगा, अदरवाइज फ्लूड फ्लो स्टॉप रहेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिंबल्स है फ्लो कंट्रोल वॉल के, जो है फिक्स ऑरिफिस फर्स्ट, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन हम वेरी नहीं कर सकते, ठीक है, पर ये क्या रहेगा, कर्व शेप में रहेगा। फिक्स ऑरिफिस इस तरह से भी रहता है कोनिकल फॉर्म में, ठीक है। वेरिएबल ऑरिफिस में क्या करना है, फिक्स ऑरिफिस के ऊपर इंक्लाइन एरो बनाना है, इंक्लाइन एरो शो करता है वेरिएबल, दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वेंचुरी। देन फ्लो कंट्रोल वॉल विथ चेक वॉल है, चेक वॉल में क्या करेंगे, फ्लो कंट्रोल वॉल के साथ एक चेक वॉल पास करेंगे, जो कि हमारा शेप होता है एरो और विथ उसका सर्कल, सर्कल मीन्स बॉल। तो ये क्या करेगा, फ्लो इसके इनलेट में न जाते हुए जब भी फ्लो यहाँ से रिटर्न लाइन से आएगा, आउटलेट से इनलेट तक आने की कोशिश करेगा, तो ये डायरेक्टली चेक वॉल से जाएगा, फ्लो कंट्रोल वॉल से नहीं जाएगा। देन नॉन कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल, ठीक है। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ फ्लो कंट्रोल वॉल में कॉम्पेंसेटेड एंड नॉन कॉम्पेंसेटेड होता है। जो कि नीडल वॉल देखा है वो नॉन कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल था, और अकॉर्डिंग टू प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर हम उसको ऑपरेट करते हैं, तो दैट इज हो जाता है वो कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल। इसका एक छोटा सा कंपेरिजन भी है जो हम लेटर में देखने वाले। नेक्स्ट है कंपेयर कॉम्पेंसेटेड एंड नॉन कॉम्पेंसेटेड एफसीवी।
द प्रेशर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल्व, जैसे कि ये अभी कौन से टाइप की वॉल है, इट इज नॉट ए नीडल, इट इज ए सीट टाइप और पिस्टन टाइप पोपेट, पिस्टन टाइप प्रेशर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल। तो ऐसे सिंबल्स, ऐसा कंस्ट्रक्शन आपने डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व में देखा था, जो यहाँ पर भी होता है। तो ये कौन सा है, 2x2 दिख रहा है, फ्लो एक साइड में जा रहा है, वापस इसी से आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से फ्लो कंट्रोल वॉल्व भी ऑपरेट कर सकता है। तो अगर आपने बुक को रेफर किया तो बुक में आपको मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन सेम दिखेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिंबल के अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्शन बनाते हुए आना चाहिए, कोई भी टाइप का, जो पोपेट बोले, नीडल बोले या फिर स्पूल बोले, तो ये स्पूल टाइप पिस्टन टाइप फ्लो कंट्रोल वॉल, ठीक है। दिस वॉल आल्सो यूज इन 2x2 डायरेक्शनल कंट्रोल। तो प्रेशर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल क्या बोलता है, इन एनी हाइड्रोलिक सर्किट देर आर ए स्लाइट वेरिएशन इन प्रेशर ऑफ ऑयल। तो हाइड्रोलिक सर्किट में क्या होगा, प्रेशर ऑफ ऑयल का वेरिएशन होगा, जिसके वजह से, प्रेशर डिफरेंस के वजह से हम क्या करेंगे, प्रेशर के कॉम्पेंसेटेड से फ्लो को अलाउ करेंगे, फ्लो को कंट्रोल करेंगे। When pressure changes, the rate of flow changes, but many circuits require constant flow regardless of input or output pressure variation in circuit. Then we must use pressure compensated flow control valve. Non-compensated flow control valve dikhte hai. Non-compensated flow control valve that control the flow by throttling or restricting. Needle valve we have seen in non-compensated valve. तो needle valve जो है वो non-compensated type में आता है, और pressure compensated flow control valve में आता है आपका seat type construction. Application of compensated valve is a, this valve are using material handling system. This valve are used where accuracy in actuator movement and speed of actuator is not important. अगर एक्चुएटर की स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है तो नॉन कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल ले सकते हैं। तो नॉन कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल का जो सिंबल है वो यहाँ पे शो हो रहा है बाय दिस वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल, और कांस्टेंट फ्लो कंट्रोल वॉल का जो रहेगा वो रहेगा विदाउट एरो। Now the time is to give some assignment, and that assignment is a assignment number 15. All of you note all the questions of this assignment and solve in your copy. Question is a, describe construction and working of check valve with needle sketch with symbol. Describe construction and working of needle type flow control valve with needle sketch. Compare compensated and non-compensated type flow control valve. आपके notes में इसके points नहीं दिए हैं, आपको ये video से ही इसका एक्सप्लेनेशन अपने ओन लैंग्वेज में इस क्वेश्चन में लिखना है। इफ एनी डाउट्स एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन कॉन्टेक्ट टू सब्जेक्ट टीचर फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड नाउ द टाइम इज टू डिस्कस यूनिट आउटकम्स अचीव बाय दिस लेक्चर एज आई डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ चेक वॉल एंड फ्लो कंट्रोल वॉल क्लासिफाई फ्लो कंट्रोल वॉल्स। Summary of today's lecture as construction and working of check valve and flow control valve, classification of flow control valves. Program outcomes achieved by this lecture as a PO1, PO4, PO6, PO7 and PO3 map. Topics for next session. So next session mein hum padhne wale hai pressure hai, pressure compensated, temperature compensated and pressure and temperature compensated flow control valve. Thank you, happy learning, stay online.